भगवान से ये मनाना है कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी हम लोगों के बीच से दूर जाए और जल्द से जल्द हम चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरा कर सके। विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, विपक्ष रहे तब तो, विपक्ष को उचित सलाह देना चाहिए। विपक्ष ने कोई सलाह नहीं दिया, जो सलाह दिया वो गैर कानूनी था। हम लोगों ने कानूनी जबला पहनाया कि भारत का संविधान क्या कहता है, बिहार के संविधान क्या कहते हैं, बिहार के पंचायती राज एक्ट क्या कहते हैं। तो कानून से कोई चीजें बनती है ना, तो हम लोगों ने कानून बनाकर उसको उंगली जमा पहनाने का काम किया कि लोकतंत्र स्थापित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में कोरोना महामारी के कारण जो पंचायत चुनाव होने वाले थे उसे अभी टाल दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा परामर्शी समिति का गठन किया गया है और आज इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति भी दी गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी। सर, आज परामर्शी समिति का गठन हो गया है तो इसका क्या स्वरूप रहेगा, कौन कौन से लोग इसमें सदस्य रहेंगे? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है, बिहार में लोकतंत्र की स्थापना हुई और दुनिया को हम मैसेज देते हैं कि हम लोकतांत्रिक प्रदेश हैं और देश हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। तो हम लोगों ने तय किया कि 5 साल, क्योंकि इस देश में भारतीय संविधान के हिसाब से जो व्यवस्था है कि 5 साल से अधिक किसी के भी चुनाव प्रक्रिया को अधिक समय नहीं दिया जा सकता है, विधान परिषद को छोड़कर। तो पंचायती राज में जो कानून बने हैं उसमें यह कोई व्यवस्था नहीं। दूसरे स्टेटों ने इसमें एक रास्ता बनाया था कि चुनाव यदि नहीं हो तो हमको क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं बन पाए थे क्योंकि 2001 से चुनाव हुए और इस परिस्थिति नहीं बन पाई। 2006 में जो कानून बने उसमें यह व्यवस्था नहीं था। अब जो हम लोगों ने व्यवस्था किया, क्योंकि महामहिम गवर्नर साहब से सम्मति लेकर एक ऑर्डिनेंस पास कराया जिसमें यह सलाहकार समिति बनाने का निर्णय लिया गया। अब उसके रूल्स हम लोगों ने बनाए, उसके संकल्प बनाए। अब बिहार में जो 15 तारीख तक जो मुखिया हों वो पंचायत के परामर्शी समिति के अध्यक्ष हों और उप मुखिया उसके उपाध्यक्ष होंगे और तमाम जो वार्ड सदस्य हैं उसके सदस्य होंगे। उसी तरह ग्राम कचहरी में जो है जो सरपंच है वो परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे, उसके जो उप सरपंच हैं वो उपाध्यक्ष होंगे और तमाम जो पंच हैं वो उसके सदस्य होंगे और ग्राम कचहरी में जो न्याय मित्र हैं वो उसके सचिव होंगे। उसी तरह प्रमुख के तौर पर जो कार्य कर रहे हैं वो अब प्रखंड के जो परामर्शी समिति होगा उसके अध्यक्ष होंगे, उप प्रमुख उसके उपाध्यक्ष होंगे, सभी माननीय सांसद और विधायक वो उसके सदस्य होंगे, पंचायत समिति के सदस्य होंगे। उसी तरह जिला परिषद में जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं वो परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे और सांसद माननीय सांसद और माननीय विधायक उसके सदस्य होंगे और जिला परिषद के सदस्य होंगे। तो ये स्वरूप है। अब है कि उनको पूरा वित्तीय अधिकार दिया गया है कि आप काम करते रहेंगे, उनको जितनी सुविधा मिल रही थी वो सारी सुविधा मिलती रहेगी, उनका जो प्रोटोकॉल था वो पूरी तरह स्थापित रहेगा। इसलिए पंचायती राज जो तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का, सांसद विधानसभा और पंचायती राज, ये जो तीनों चुनाव हैं ये पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था से खड़े हैं। 2,58,000 जो बिहार में पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं इनकी सबसे बड़ी जीत है कि वो आज भी काम कर रहे हैं और 16 तारीख को भी काम करते हुए आपको दिखेंगे। भगवान से ये मनाना है कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी हम लोगों के बीच से दूर जाए और जल्द से जल्द हम चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरा कर सके। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार सरकार का ये बड़ा निर्णय कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे बिहार में पूर्ण रूप से स्थापित रहे। अब क्या लगता है सर कि 16 तारीख से जो परामर्शी समिति है उसका गठन होगा, 15 तक कार्यकाल है जितने भी जनप्रतिनिधियों का, तो कहें तो बस पद और नाम चेंज हो गया है और जो कार्य है वो पहले की ही तरह होंगे? देखिए, पूरी तरह, क्योंकि कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी। देखिए, आप देखते होंगे कि माले के लोग कहते थे
कि हम कि इसका चुनाव चुनाव का समय कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। उनको ये ज्ञान नहीं था कि इस देश का लोकतंत्र क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, क्योंकि वो 12 जीत के आए हैं विधानसभा में, तो उनको लगता है हम 5 साल के लिए नहीं 12 साल के लिए जीत के आए हैं। ये व्यवस्था नहीं हो सकती, ये व्यवस्था टेम्प्रोरी है, जिससे कि विकास कार्य नहीं रुके, लोकतंत्र में ये प्रशासन का राज नहीं दिखे, ये पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी रहे। इसके लिए हम लोगों ने टेम्प्रोरी व्यवस्था किया है कि राजनीतिक कार्यकर्ता पूरी तरह स्वतंत्र होकर गांव में काम करते रहे। अब क्या लगता है कि सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार यह कह रहा था कि आपने भी भाकपा माले का नाम लिया, उन्होंने भी कहा कि जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया जाए, पर टेम्प्रोरी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं, तो जिस तरह से विपक्ष का जो मांग था वो पूरा लगता है कि नज़र आते दिख रहा है। नहीं, विपक्ष को तो पता ही नहीं था, वो ना पढ़ते हैं ना जानते हैं ना कुछ करते हैं, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। विपक्ष रहे तब तो विपक्ष को उचित सलाह देना चाहिए, विपक्ष ने कोई सलाह नहीं दिया, जो सलाह दिया वो गैर कानूनी था। हम लोगों ने कानूनी जबला पहनाया कि भारत का संविधान क्या कहता है, बिहार के संविधान क्या कहते हैं, बिहार के पंचायती राज एक्ट क्या कहते हैं, तो कानून से कोई चीज़ें बनती है ना, तो हम लोगों ने कानून बनाकर उसको उंगली जमा पहनाने का काम किया कि लोकतंत्र स्थापित रहे। क्या लगता है सर कि इनका कार्यकाल कब तक का रहेगा? जिस दिन तक चुनाव नहीं हो, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन सारे का पावर सीज हो जाएगा। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को जैसे ही अनुकूल चुनाव कराने की व्यवस्था मिलेगी, वो तुरंत उनके जिस दिन चुनाव की घोषणा है उसी दिन सारे लोगों का पावर सीज हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पंचायती राज विभाग के मंत्री साम्राज चौधरी, जिन्होंने जानकारी दी है कि पूर्व से ही जो प्रतिनिधि हैं वो उसी तरह कार्य करते रहेंगे, बस परामर्शी समिति का गठन हुआ है तो पदभार और जो पद का नाम है वो चेंजेस उसमें हुए हैं। और साफ तौर पे उन्होंने यह भी कहा है कि जब बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज़ होगा तो जो परामर्शी समिति का गठन किया गया है वो भंग हो जाएगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।